दिल्ली कैंट विधानसभा के बार स्क्वायर बस्ती में आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह जनसंवाद करने पहुंचे, जहां उन्होंने सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ जनता से बात की और जनता की परेशानियां सुनकर उनको जल्द से जल्द हल करने की बात भी की। जब हमारे सहयोगी जितेश अनेजा ने वहां मौजूद विधायक से बात की तो किस तरह उन्होंने अपनी बात कही, आइए दिखाते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट में। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली कैंट विधानसभा से कमांडो सुरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। क्या कहते हैं, बार स्क्वायर में आए हैं, जनता से संवाद किया है, क्या इनकी परेशानियां हैं वो सुनी है और कब तक वो हल करवाएंगे वो इनसे जानते हैं। कमांडो जी, आज आप जिस बस्ती में आए हैं, बिजली और पानी दोनों नहीं है पिछले 20 सालों से, तो कितना प्रयास आपने इनके लिए किया है? इनके लिए पानी के लिए बोरवेल लगा दिया गया है और लाइन यहाँ तक डल गई है, बोरवेल सक्सेसफुल बोरवेल हुआ है। उसके बाद में बिजली के लिए यहाँ सोलर लाइट का जो प्रावधान किया, सोलर लाइट लगाई जाएगी, हर घर को सोलर लाइट लगाई जाएगी, वो बिजली का भी समाधान कर दिया गया है। मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ टॉयलेट भी नहीं था, कम्युनिटी टॉयलेट बनाया जाएगा 63 लाख रुपये की लागत से। बच्चों के लिए वहाँ पर पार्क बनाया जाएगा, उसके अंदर ओपन जिम लगाया जाएगा, बच्चों के लिए झूले लगाए जाएंगे, खेलने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर, बालवाड़ी जो बनाते हैं वो बालवाड़ी की पूरी व्यवस्था की जाएगी। सर कब तक हो जाएगा ये काम, चूँकि बनाए जाएंगे बहुत सारे पल, चूँकि 1000 घर हैं, 5000 लोग रहते हैं, बिना बिजली के कैसे गुजारा हुआ इनका? नहीं, ये बहुत ज़्यादा इनका शुरू हो गया, टेंडर लग चुका, हर घर को लग जाएगा, आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर हर घर तक बिजली का पहुँच जाएगा कनेक्शन। और दूसरा जो मोहल्ला क्लिनिक बनने लग रहा, पानी का ट्यूबवेल लग चुका है, सारी चीज़ें जो है ना ग्राउंड के ऊपर आ चुकी है। हमने कई बच्चों से यहाँ पर बात किया, कई बच्चे कह रहे कि पढ़ाई बिजली की वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं और फेल हो जाते हैं। बिल्कुल, इन बच्चों के भविष्य को लेकर मुख्यमंत्री जी ने जो ना फाइल के ऊपर लिखा, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और इतने सालों से हो रहा है, इसलिए जो ना सोलर का जो ना विधायक फंड से जो ना देने का काम करा जाए, तभी मैंने किया। अच्छे बीते 5 साल दिल्ली में, तो केजरीवाल ये कैंपेन लेके दिल्ली आम आदमी पार्टी की शुरुआत, अपनी चुनाव की शुरुआत कर दी है, तो क्या लगता है कि दिल्ली कैंट विधानसभा का क्या हाल है? दिल्ली कैंट विधानसभा सबसे टॉप जाएगी, पिछली बार भी सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले थे, वोट शेयर के हिसाब से देखा जाए तो अब की बार जो ना और भी ज़्यादा वोट यहाँ पर मुझे मिलेंगे, क्योंकि 5 साल मैंने लोगों की सेवा की, काम किया, एज ए सैनिक की तरह जैसे देश की सरहदों पर लड़ा था, उसी तरह इनके मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर लड़ा हूँ, रोड के ऊपर लड़ा हूँ, कैंट बोर्ड के अंदर जाके लड़ा हूँ। जी, तो क्या लगता है सर, किन मुद्दों के आधार पर की चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी? यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं, जितने मुद्दे थे सारे काम हमने खत्म कर दिए, विकास के नाम के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे, हम अपने काम का वोट मांगेंगे। हम तो सबसे कहते हैं कि जी हमने जो है ना पूरा साल आपका काम किया, आपके हाथ में काम का नाम का। तो ये थे हमारे साथ विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह, जिनसे हमने खास बातचीत की, जो कह रहे हैं कि यहाँ की जो बिजली की समस्या है वो बहुत जल्दी यहाँ पे वो खत्म हो जाएगी और जो लोगों के बिजली आ जाएगी। पानी की समस्या थी, पानी की समस्या हमने हल करवा दी है, थोड़ा बहुत काम हुआ मोहल्ला क्लिनिक का और पार्क का रह गया, वो भी हम चुनाव के बाद इसको चालू करवा देंगे और बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगा। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ जितेश अनेजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।